और टीके साहब का नाम ही आंदोलन है। तो किसान तो इससे बर्बाद हो रहा कि ये एक दर्जन संशोधन करने को तैयार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको सस्पेंड कर दो, ये काला है इसमें। हमें तो सारा काला ही दिखाई दे रहा भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं ऑथम न्यूज। इस देश में कई आंदोलन हुए और होकर खत्म हो गए, लेकिन दिल्ली मेरठ हाईवे, जिसे हम लोग NH9 भी कहते हैं, जब वो बन रहा होगा तो क्या आपने सोचा होगा कि यहाँ पर एक गांव तक के बसने की स्थिति बन जाएगी? नहीं ना, लेकिन हालात अब यही कह रहे हैं। दिल्ली मेरठ हाईवे गाजीपुर बॉर्डर पर अब एक पूरा का पूरा गांव बसता हुआ नज़र आ रहा है। जो काम सरकार को पूरे देश में करना चाहिए था, अब वही काम किसान आंदोलन में कर रहे हैं। यहाँ पर खाना फ्री है, यहाँ पर दवाइयाँ फ्री हैं, यहाँ पर इलाज फ्री है, किसान कंट्रोल रूम भी है, सर्दियों के लिए लकड़ियाँ हैं और लगभग सारी सुविधाएँ यहाँ पर मौजूद हैं, और वो भी फ्री। लेकिन 70 दिनों से बैठा किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, सरकार से कानून को वापस लेने की मांग कर रहा है। लेकिन इसी बीच कृषि मंत्री का संसद में एक बयान आता है कि हजारों लोगों से पूछ चुका हूँ कि इस बिल में काला क्या है, कोई बताने को तैयार नहीं है। 11 से 12 मीटिंग हो चुकी हैं सरकार के साथ किसानों की। अब या तो इस चीज़ से केवल यही चीज़ समझ में आती है, या तो सरकार किसानों की बात समझने में असमर्थ है, या फिर किसान सरकार को समझाने में असमर्थ हैं। क्योंकि 11 से 12 वार्ता होने के बाद भी अगर कृषि मंत्री ये पूछ रहे हैं कि इस बिल में काला क्या है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को ना समझने की भूल है। तो फिलहाल इसी सवाल को लेकर हम पहुँचे किसानों के पास। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि किसानों ने कृषि मंत्री के सवाल का क्या जवाब दिया। संसद में बजट सेशन चल रहा है और बजट सेशन में कृषि मंत्री बात कर रहे हैं कानून के ऊपर, जहां पर विपक्ष लगातार बहस कर रहा है कि इस कानून को वापस लो, लेकिन वहीं पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान आता है कि मैंने हजार लोगों से पूछा कि इस बिल में काला क्या है, लेकिन कोई मुझे नहीं बता पाया। तो चलिए हम किसानों से ही पूछते हैं कि ऐसे क्या हुआ कि जो अब नरेंद्र तोमर को समझा नहीं पा रहे हैं कि किसान बिल में काला क्या है। आप हमें बताइए कि किसान बिल में काला एक्चुअली है क्या, जो नरेंद्र तोमर समझ नहीं पा रहे हैं। भाई, किसान के नज़रिए से अगर देखा जा, जब से ये कानून बनाए, अध्यादेश लाए ये, तब से जो किसान के फसलों के रेट MSP जिसका 1825 था, वो 800 रुपये में, जैसे गेहूँ बाजरा है, मक्का है और धान था किसान का, तो जिसका MSP 1800 समथिंग था, वो 800-900 रुपए में उसका जो लूट गया, तो किसान तो इससे बर्बाद हो रहा। और सरकार जित पैड़ी बैठी है कि साहब ये काला क्या है, तो इसमें सफ़ेद क्या, सरकार ही बता। इस कानून में काला ये है कि ये एक दर्जन संशोधन करने को तैयार, ये काला है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको सस्पेंड कर दो, ये काला है इसमें। इन्होंने कहा कि 2 साल के लिए हम सस्पेंड कर देंगे, ये काला है इसमें। और फिर मेरा सवाल नरेंद्र तोमर से कि इसमें सफ़ेद क्या है। हमें तो सारा काला ही दिखाई दे रहा है भाई, इसमें सफ़ेद क्या है। जब प्रधानमंत्री बता दे या कि वो कृषि मंत्री बता दे कि इसमें सफ़ेद क्या है। मुझे ये बताइए कि 26 जनवरी पे ट्रैक्टर रैली हो गई, 6 फरवरी को चक्का जाम हो गया, इसके आगे अब क्या रणनीति चल रही है? अपना शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। गांधीवादी तरीके से टीके साहब आंदोलन करते रहे हैं और टीके साहब का नाम ही आंदोलन है। तो बिल में काला क्या है, इसके जवाब में बहुत से किसानों ने जवाब दिया, और जवाब देने के साथ साथ उल्टा सरकार से एक सवाल किया कि अब सरकार ये बताए कि इस बिल में सफ़ेद क्या है। तो लगभग हमने कई किसानों से बात करी, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने आपको संक्षिप्त में कुछ ही किसानों की बात सुनवाई। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने अगर कोई मन में सवाल हो तो उस सवाल को भी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम लोग गाजीपुर बॉर्डर जाकर उस सवाल को भी पूछ सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।